एवरीवन, इस समय हम सभी एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। दुनिया के जो विकसित से विकसित देश हैं, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इवन चीन से जहां से ये बीमारी कोरोना वायरस शुरू हुई थी, वहां पे भी बहुत सारी परेशानी दिख रही है। तो तकनीक होने के बावजूद भी मामलों में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है और इन देशों में हजारों की संख्या में कैजुअल्टीज हुई हैं और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि भारत में ये मामले 3000 के आसपास हैं और कैजुअल्टीज भी 60-70 के अराउंड में हैं, फिर भी अगर देखा जाए तो भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता लगी है कि इन मामलों को हमने नियंत्रित रखा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम कई सारे संदेश दिए और उन्होंने देश को एक सूत्र में जुड़े रखने की बहुत सारी कवायदें की हैं। जैसा उन्होंने पहली बार अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमें जितने भी सार्वजनिक सेवाओं में लगे हुए कर्मी हैं उनको लिए एक बधाई संदेश, एक धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करना चाहिए, थाली बजा के या साउंड नॉइस करके। ऐसा ही उन्होंने दूसरी बार भी राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि दिया जला के हमें राष्ट्र को एकजुट रखना होगा, इस संकट की घड़ी में सबको आशा की किरण को जगाए रखना होगा। हालांकि इसको लेके भी विवाद की स्थिति बन गई। अभी तक जो लोग सरकार को घेर रहे थे उन्होंने इस दिया जलाने को लेके भी सांप्रदायिकरण कर दिया, सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को घेरा। तो सवाल ये है मेरा ऐसे लोगों से कि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, यहाँ तक कि संपूर्ण जीवन का अस्तित्व ही अग्नि के इर्द गिर्द है। चाहे वह सूर्य हो और चाहे पर्यावरण में मौजूद अग्नि हो, चाहे हमारे शरीर में मौजूद अग्नि हो, अगर आप सदैव बीमार सा महसूस करना चाहते हैं तो फिर कोई एक्टिविटी ना करिए। लॉकडाउन की अवस्था में पड़े रहिए और एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में बने रहिए। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि कम से कम हमें एक होप लगे, एक यूनिटी बने, हम उत्सव जैसा महसूस करें इस निराशावादी माहौल में भी। दूसरी बात ये है कि ये मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। इस समय दुनिया के सभी देश एक ही माहौल में परेशान से दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें ये इनिशिएटिव बहुत ही इनोवेटिव है। इसी संदर्भ में WHO की एक गाइडलाइंस दी गई 11 मार्च को जब इसे पेंडेमिक घोषित किया गया, उसमें चार गाइडलाइंस के ऊपर काम किया गया कि हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए और प्रिपरेशन के साथ हमें रेडी होना चाहिए कि मामलों को कैसे निपटाया जाए। दूसरा गाइडलाइंस दिया गया कि हमें ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करना होगा, हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तीसरी बात ये कही गई कि हमें ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना होगा। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संदेश से जुड़ जाती है। इसमें कहा गया कि हमें खुद को इनोवेट करना होगा और हमें इन परिस्थितियों से लर्निंग करनी होगी, खुद को नए विचारों से जोड़ना होगा और कुछ नया सीखना होगा। आखिर इस मामले से निपटने के लिए नई बात क्या हो सकती है? तो वह हमारे प्रधानमंत्री के संदेश में दिखती है। जब उन्होंने दिया जलाने की बात की तो कहीं ना कहीं यह हीलिंग के पावर से जुड़ा हुआ है। जैसे जब डॉक्टर हमें कोई सलाह देता है दवा के लिए तो वह ऊपर RX लिखता है, प्रे टू गॉड की, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सेकेंडरी ब्रेन है वह यह सोचती है कि हम हमारे लिए जो इलाज दिया जा रहा है वो हमें काम कर रहा है, वो ठीक हो रहा है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने दिया जला के ये कहा कि अभी आशा की किरण जगी हुई है, अगर हम सब एक साथ मिलके और एक होप बना के अगर हम एकता प्रदर्शित कर सकें, अपने को उत्साह बनाए रखने में सफल हो सकें, तो हम इस रोग से लड़ने में सक्षम होंगे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि परिवार के रूप में, राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हम इन संदेशों का पालन करें और सरकार के साथ सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।